आयुर्वेद के बहुत बड़े चिकित्सक महर्षि वाग्भट जी ने कहा है कि व्यक्ति ईश्वर अपने लिए सर्वोत्तम चिकित्सक है। वाग्भट जी के अनुसार हमारी 85% स्वस्थ समस्याओं का समाधान बहुत आसान है और इसके लिए किसी विशेषज्ञ की मदद लेने की आवश्यकता नहीं होती। केवल 15% बीमारियां ही इतनी गंभीर होती है कि विशेषज्ञ की मदद लेनी पड़ सकती है। महर्षि वाग्भट जी आयुर्वेद चिकित्सा के जनक महर्षि चरक के शिष्य थे। जो नियम चरक ऋषि अपनी पुस्तक चरक संहिता में लिखकर गए, उन नियमों को उन्होंने अपने ऊपर प्रयोग किया और फिर अपनी किताब में लिखा। वाग्भट ऋषि ने दो ग्रंथ लिखे जिनका नाम है अष्टांग हृदयम, अष्टांग संग्रहम। इन दोनों पुस्तकों में कुल 8000 निरोगी जीवन जीने के सूत्र लिखे हुए हैं, जो हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत भाषा में है। जब तक वाग्भट जी ने यह सिद्ध नहीं कर दिया कि जो नियम मेरे गुरु ने बनाए हैं वो भविष्य में लोगों के लिए लाभ पहुंचाएंगे या नहीं, तब तक उन्होंने अपने ग्रंथ नहीं लिखे थे। ये बात भी सत्य है कि कई नियम जो आपको आसान लगते हैं, उन पर परीक्षण करने में महर्षि वाग्भट जी के कई साल लग गए। वाग्भट जी 135 वर्ष तक जिंदा रहे थे। उनके शिष्य कहते हैं कि उन्होंने इच्छा मृत्यु धारण कर रखी थी। जब महर्षि वाग्भट जी इच्छा मृत्यु धारण करने जा रहे थे तो उनके शिष्यों ने उनको रोका था। तो वाग्भट जी ने कहा था, मुझे जितना मानवता के लिए काम करना था उतना काम मैंने कर दिया, अब इस शरीर को त्यागने में ही फायदा है। ऐसे मान ऋषि को हृदय से हमें धन्यवाद देना चाहिए जिन्होंने पूरी जिंदगी इसमें लगा दी कि मानव कैसे एक रुपया खर्च किए बिना स्वस्थ जीवन कैसे जिया जाए, इसमें उन्होंने पूरा जीवन लगा दिया। इच्छा मृत्यु का मतलब होता है खुद की मर्जी से समाधि लेकर प्राण त्यागना। ये कार्य ऋषि ही कर सकते हैं। इन शक्तियों और सिद्धियों को पाने के लिए बहुत ही जप तप करना पड़ता है। सनातन के ऋषियों ने हजारों साल पहले जो बातें बताई थी, आज वो बातें हमें विज्ञान बताता है। अब आप एक बात का एग्जाम्पल ले लीजिए। महर्षि वाग्भट ने हमें पहले ही बता दिया था कि हमें उत्तर की तरफ सिर करके नहीं सोना चाहिए, और ये बात विज्ञान हमें आज बता रहा है कि हमें उत्तर की तरफ सिर इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि चुंबकीय खिंचाव की वजह से हमारा खून मस्तिष्क में चला जाता है, जिसे व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। इस बात को हम मान लेंगे, लेकिन ऋषि मुनियों ने जो हजारों साल पहले हमें बताया था वो बात हम नहीं मान रहे हैं। ऐसी बहुत सारी बातें हैं दोस्तों जो आज भी हमारे जीवन के लिए एकदम सही है और हमें सही मार्गदर्शन करती है, उस बात को हमें मानना चाहिए। तो दोस्तों आइए जानते हैं महर्षि वाग्भट जी के वो नियम जो आपको लंबा जीवन देगा और स्वस्थ जीवन देगा। आपको कभी भी अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो भी बिना एक रुपये खर्च किए। दोस्तों मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों के बारे में पढ़ा जो महर्षि वाग्भट जी के इन नियमों को फॉलो करते हैं। उन्होंने कहा कि हमें 10-10, 15-15 साल हो गए, हमको बीमारी तो दूर की बात है, खांसी जुकाम भी नहीं हुए, कभी भी उन्होंने कभी मेडिकल की कोई गोली नहीं खाई। इससे ये पता चलता है कि ये नियम हमारे जीवन के लिए कितने लाभदायक है। तो चलिए जानते हैं वो नियम। महर्षि वाग्भट जी के अनुसार पहला नियम है कि जिस भोजन पर सूर्य का प्रकाश और पवन का स्पर्श ना पड़े, ऐसे भोजन को कभी नहीं खाना चाहिए। सरल शब्दों में कहे तो आज के समय में इस्तेमाल किए जाने वाले प्रेशर कुकर, माइक्रोवेव और रेफ्रिजरेटर इत्यादि में रखे हुए भोजन को हमें कभी भी नहीं खाना चाहिए। आपने देखा होगा कि पुराने लोग जो सब्जी बनाते थे वो एक मिट्टी की हांडी में बनाते थे और उसका ढक्कन खुला रहा करता था, जिसमें सूर्य का प्रकाश भी जाता था और हवा भी जाती थी। लेकिन जो कुकर होता है वो दाल को कैसे पकाता है, वो भोजन को कैसे पकाता है, उसके ऊपर ढक्कन लगा दिया जाता है और प्रेशर से पकाता है, जिसमें ना तो सूर्य का प्रकाश जाता है और ना ही हवा जाती है। और ऊपर से एक और बात कि प्रेशर कुकर सिल्वर से बना हुआ है। दोस्तों सिल्वर में बना हुआ खाना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिल्वर के बर्तन में पके हुए खाने में 93% पौष्टिक आहार खत्म हो जाते हैं, सिर्फ 7% पौष्टिक आहार रहते हैं। पहले लोग मिट्टी के बर्तन में भोजन पकाते थे, ये सिल्वर वाला तो अंग्रेजों के टाइम में आया था, और अंग्रेज लोग सिल्वर के बर्तन में खाना उन लोगों को देते थे जो क्रांतिकारी होते थे। सिल्वर के बर्तन में खाना बनना जेलों के अंदर से शुरू हुआ था जहाँ पर क्रांतिकारी रहते थे। अंग्रेजों को पता था कि सिल्वर में बना हुआ खाना कमजोर होता है, इसीलिए उन क्रांतिकारियों को खिलाकर उनको कमजोर करना चाहते थे, और जेलों के अंदर से ये शुरू होकर आज पूरे भारत में फैल चुका है। आज भारत में ऐसा कोई भी घर नहीं है जिसके घर सिल्वर का बना हुआ प्रेशर कुकर ना हो और उसमें बना हुआ खाना हमारे लिए विष के बराबर है।
आज की तारीख में ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है कि सिल्वर के बर्तन में बना हुआ खाना हम नहीं खाएंगे। हो सकता है हर जगह सिल्वर के बर्तन में ही पक रहा हो, लेकिन जितना हो सके आप उससे बचने की कोशिश करें। घर में तो ऐसा बर्तन रखें ही ना। महर्षि वाग्भट के अनुसार दूसरा नियम है, लंबे समय तक रखे भोजन का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब है कि भोजन को 48 मिनट के अंदर ही सेवन कर लेना चाहिए, क्योंकि 48 मिनट के बाद रखे गए भोजन में लगातार न्यूट्रिएंट्स कम होने लगते हैं और 24 घंटे में भोजन में से सारे न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं। इसीलिए लंबे समय तक रखे हुए भोजन को कभी ना खाएं। तीसरा नियम है जो बहुत ही खास है, महर्षि वाग्भट के अनुसार 15 दिन से अधिक समय का पिसा हुआ गेहूं का आटा हमें कभी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि 15 दिन के बाद आटे के अंदर से न्यूट्रिएंट्स खत्म होना शुरू हो जाता है। आप में से जो बाजरे की रोटी खाते हैं उनको पता होगा कि बाजरे का आटा थोड़ा सा पुराना होने के बाद खट्टा पड़ जाता है। और महर्षि वाग्भट जी कहते हैं कि 7 दिन से अधिक पिसा हुआ बाजरा, मक्का और जई के आटे का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो आटे के बारे में इस बात का पूरा ध्यान रखें कि ज्यादा पुराना आटा ना हो। चौथा नियम है, महर्षि वाग्भट जी ने कहा है कि एक व्यक्ति को 60 साल की उम्र तक शारीरिक क्षमता के अनुसार काम करते रहना चाहिए। अलग अलग उम्र के लोगों को अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार खेल कूद, शारीरिक श्रम और अपने अनुसार कोई न कोई काम करते रहना चाहिए, जिससे शरीर के सारे अंग स्वस्थ रहे। और 60 साल की उम्र के बाद अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार धीरे धीरे शारीरिक श्रम कम कर देना चाहिए। यानी कि 60 साल तक आदमी को काम करते रहना चाहिए, कभी भी काम में आलस ना करें। काम करने से हमारा शरीर अच्छा रहता है, और 60 साल के बाद भी हमें काम करते रहना चाहिए ताकि हमारा शरीर और अच्छा रहे। पांचवा नियम बहुत ही खास है, ध्यान से सुनना। जीवन शैली तय करने के लिए भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखना चाहिए। भारत एक गर्म देश है और वात प्रधान है। 75% बीमारियां वात के बिगड़ जाने से होती है, 15% पित्त के और 10% कफ के। और आपको जानकर हैरानी होगी कि भारतीयों के लिए दौड़ना बिल्कुल ही अच्छा व्यायाम नहीं है। अधिकांश भारतीय दौड़ने वाले एथलीटों के घुटने 40 वर्ष की आयु तक पहुंचते पहुंचते पूरी तरीके से घिस चुके होते हैं, और आयुर्वेद के अनुसार भारतीयों को दौड़ना नहीं चाहिए। ये जो दौड़ने वाला नियम है ये यूरोप और अमेरिका से आया है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है और इसलिए वहाँ पर कप खराब होता है। कप को नियंत्रण में रखने के लिए उन्हें उच्च गति वाली गतिविधि की आवश्यकता होती है, इसीलिए वो लोग दौड़ते हैं और अपने शरीर में गर्मी पैदा करते हैं, जिसे कम संतुलन रहता है। पित्त आमतौर पर संतुलन ही रहता है। महर्षि वाग्भट जी ने भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भी नियम बनाए थे। महर्षि वाग्भट जी ने एक बहुत ही बढ़िया बात कही थी, दक्षिणी भारत में रहने वाले लोगों को गेहूं से ज्यादा चावल खाने चाहिए। दक्षिण की मिट्टी पानी को अधिक समय तक रोक कर रखती है, जबकि राजस्थान की मिट्टी रेतीली है और पानी को रोक नहीं पाती। इसीलिए राजस्थान की मिट्टी गेहूं उगाने के लिए उपयुक्त है, चावल के लिए नहीं, जबकि दक्षिण भारतीय मिट्टी चावल के लिए उपयुक्त है, गेहूं के लिए नहीं। इसीलिए स्वस्थ रहने के लिए स्थानीय खाद्य पदार्थ खाने चाहिए, जो हमारी जमीन में उगते हैं हमें वही भोजन खाने चाहिए। छठा नियम है, सुबह उठते के साथ ही बासी मुंह यानी कि बिना मुंह धोए कम से कम 1 लीटर पानी पीना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से पेट साफ होता है और हमें किसी प्रकार की बीमारियां नहीं होती है। सुबह उठकर बासी मुंह पानी पीना एक औषधि की तरह काम करता है और इसे वैज्ञानिक भाषा में पानी चिकित्सा यानी कि वाटर थेरेपी कहा जाता है। क्योंकि सुबह जब उठते हैं और हमारे मुंह के अंदर जो थूक होता है वो दोस्तों एक औषधि की तरह काम करता है। जब मैं छोटा था तो मेरे दादाजी ने एक बार मुझे कहा था कि यदि कहीं पे दांत हो गया हो तो सुबह उठकर उस थूक को दांत की जगह लगा दो और दांत ठीक हो जाता है। और सच में दांत ठीक हो गया था। तो वो जो थूक होता है सुबह उठते उस समय वो एक औषधि की तरह होता है, उसे हमें बाहर नहीं थूकना चाहिए। इसीलिए वाग्भट जी ने कहा कि सुबह उठकर बिना मुंह धोए हमें पानी पीना चाहिए। सातवां नियम है, महर्षि वाग्भट जी के अनुसार भोजन करने के 1.5 घंटे बाद ही पानी पीना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि खाना खाने के बाद हमारे पेट में जठराग्नि जो होती है, जो कि भोजन को पचाने का काम करती है, ऐसे में यदि हम खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीते हैं तो वह आग बुझ जाती है और फिर भोजन हमारे पेट में सड़ने लगता है, जिसके कारण बहुत सी बीमारियां होने की संभावना होती है। इसलिए खाना खाने से करीब 1.5 घंटे बाद ही हमें पानी पीना चाहिए। आठवां नियम है, महर्षि वाग्भट जी ने कहा है कि हमें एक सांस में पानी नहीं पीना चाहिए।
हमेशा घूंट घूंट करके एक एक घूंट पानी पीना चाहिए। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बेहतर साबित होता है। महर्षि वाग्भट जी के अनुसार हम एक एक घुट घुट करके पानी पीते हैं तो वो हमें 30 से ज्यादा बीमारियों से बचाता है। 9वां नियम है, ठंडा पानी कभी ना पिए। महर्षि वाग्भट जी के अनुसार कितनी भी गर्मी क्यों ना हो, हमें कभी भी फ्रिज का ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि लगातार ठंडा पानी पीने से लकवा और दिल की बीमारियां जैसी कई बीमारियां हो जाती है। इसलिए या तो आप साधारण पानी पिए या फिर मटके का पानी पिए, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो दोस्तों, ये थे 9 नियम। यदि आप इनको फॉलो करते हो तो आप अपने शरीर की 85% बीमारियों को ऐसे ही खत्म कर दोगे, आपको वो बीमारियां होगी ही नहीं। अब जानते हैं महर्षि वाग्भट जी के आयुर्वेदिक नुस्खे। ये छोटे छोटे नियम आपको बहुत सारी बीमारियों से और बहुत ही खतरनाक बीमारियों से बचाएंगे। तो चलिए जानते हैं। महर्षि वाग्भट जी कहते हैं कि सुबह उठकर सरसों के तेल से पूरे शरीर में मालिश करने से आंखों की रोशनी बढ़ती है और शरीर के बाकी अंग भी तंदुरुस्त रहते हैं। त्रिफला चूर्ण हमारे शरीर के लिए एक औषधि का काम करती है, जिसका नियमित सेवन करने से वात पित्त और कफ तीनों संतुलित रहते हैं। 3, पूर्व या दक्षिण दिशा की तरफ सिर रखकर सोने से कभी भी मानसिक रोग नहीं होते हैं और हमारी आयु भी बढ़ती है, और इस बात को विज्ञान भी कहता है। 4, भोजन हमेशा जमीन पर और पालथी मार कर ही खाना चाहिए। 5, हल्दी जीरा राई धनिया इत्यादि ये सब औषधि का काम करती है, इसीलिए इन्हें अपने आहार में जरूर शामिल करना चाहिए। 6, अपने छींक को कभी ना रोकें, और यदि आपको हंसी आ रही है तो उसको भी कभी ना रोकें। 7, रात को बिना तकिए के सोने से मस्तिष्क और दिल की स्वस्थता पर काफी अच्छा प्रभाव पड़ता है। 8, प्रतिदिन गाय के दूध का सेवन करें। 9, रात को बाई और करवट लेकर सोने से भोजन जल्दी पचता है। तो दोस्तों, ये थे नियम और ये थे नुस्खे। यदि आप इनको अपनाते हो तो आप कभी भी बीमार नहीं पड़ोगे, एक लंबा स्वस्थ जीवन जी पाएंगे। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसी ही जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।